हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी जो तैयारी है वीडियो री एग्ज़ाम की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं हूँ रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वीडियो री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आपका ये एग्ज़ाम होने जा रहा है 26-27 जून 2023 को। और जो भी समय बचा है उसमें हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, हर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी की मैं पहले आपको वीडियो बना चुका हूँ और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल साइंस से 50 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे जो 100 मार्क के होंगे। और 100 मार्क जो है किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किसी परीक्षा में सिलेक्शन के लिए। तो आज मैं जो आप बताऊँगा ना वो आपको कोई नहीं बताएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, एक स्मार्ट तैयारी आपको बताऊंगा किस प्रकार से करनी चाहिए, और स्मार्ट तैयारी करेंगे तभी आप जल्दी आप जो है सफल हो पाएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जिसमें हम बात करूंगा कि अभी तक यूपी ट्रिपल SSC में 75 एग्जाम्स हुए हैं अभी तक टोटल, उनमें कहाँ कहाँ से प्रश्न परीक्षा पूछे गए हैं और किन किन विषयों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, विशेष रूप से मैं ये बात करूँगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो मैं आगे आज आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि अभी तक जो वीडियो के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं 2015 में ग्राम पंचायत अधिकारी, 2016 में एग्ज़ाम हुआ है ग्राम विकास अधिकारी का, और एक ग्राम विकास अधिकारी का री एग्ज़ाम भी हुआ था कुछ सेंटर पर, उसकी भी हम बात करेंगे। फिर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछेंगे किन किन टॉपिक से ज़्यादा पूछेंगे, वीडियो का जो पूरा एनालिसिस है उस पर भी हम बात करें, आपको किस तरह प्रकार से पढ़ना चाहिए, किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा कि अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो हमने भी एक टेलीग्राम जो चैनल है बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है ऐसा मान सकते हैं आप, जिस पर जो है आप भी जुड़ सकते हैं और एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि आपकी तैयारी में 4 चांद जरूर लग जाएंगे। इसमें हम जो है बच्चों को PDF भी प्रोवाइड करा रहे हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसमें UPGK स्पेशल जो है बहुत अच्छी तरीके से करा रहे, करेंट अफेयर भी हम आपको इसमें देंगे और भी GK की जो चीज़ें हैं, और लगातार टारगेट लेकर हम चलेंगे क्वेश्चनों को, प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे सारे क्वेश्चन करेंगे बाकायदा अंडरलाइन के साथ, बताता रहता हूँ किस प्रकार से आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना होता है। तो वो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, नीचे लिंक दिया है, जरूर ज्वाइन कर लेंगे, निश्चित रूप से करें, कुछ ना कुछ आप जरूर आपका फायदा होगा, आपकी तैयारी जो चल रही है ना वो एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पेड हमने इसलिए रखा है कि जो भी नोट्स जो भी करा रहे हैं वो आपके लिए वैल्यूएबल रहे और आप सभी लोग वहाँ पर जुड़ सकें। ठीक है, इतना भी पेमेंट नहीं है, 100-150 रुपये मत देखना, आंखें बंद करके आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, अच्छा चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं भाई किस प्रकार से हमें जो है तैयारी करनी चाहिए और एक स्मार्ट तैयारी हमें किस प्रकार से जो है सफल बनाएगी। तो अभी तक जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं, अभी तक जो आयोग ने क्वेश्चन अब पूछे हैं 2015 से लेकर के 2023 तक, ठीक है, चलिए अभी तक 75 जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से परीक्षा में पूछे गए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश GK। मैं आपको हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश GK आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, यहाँ से 280 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए, यानी कि हर एग्जाम की अगर हम तुलना करेंगे तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। उसके साथ साथ वीडियो के एग्जाम में तो उत्तर प्रदेश GK कुछ 2018 की हम तुलना करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही 9-10 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। तो उत्तर प्रदेश GK को बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैं आपको लगातार 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो आपको करा रहा हूँ और इसका जो पूरा PDF है जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप उस टेलीग्राम को पुनः बोल रहा हूँ कि आप उस लिंक नीचे दिया है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार जरूर। ठीक है, तो वो UP उत्तर प्रदेश GK वहाँ से आपकी हो जाएगी, अगर जो भी आपके बुक है वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन इतिहास। अब हम बात करेंगे भाई इतिहास की अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, क्योंकि GK का एक बड़ा सिलेबस हो जाता है और स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते हैं हमें कहाँ से किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। अगर सभी क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूँ 225, 75, 300, 380 के आसपास क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिस्ट्री का, जिसमें प्राचीन इतिहास से 79 क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास से 75 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से कितने आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 225 क्वेश्चन। तो
तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ आप समझ गए होंगे मुझे हमें कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आधुनिक भारत में जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा जो आधुनिक भारत दिया रखा है, कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं 1857 की, कौन कौन से क्रांतिकारी हुए हैं, जो भी हैं छोटी मोटी घटनाएं घटी है, राष्ट्रीयकांड, सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके साथ साथ प्राचीन इतिहास पर भी थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है कि वीडियो के एग्जाम, वैसे तो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए 80, लेकिन वीडियो के एग्जाम की हम तुलना करेंगे अभी पीछे, आगे तुलना करेंगे तब आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में अब पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विश्व का इतिहास। देखो विश्व का इतिहास अगर हम बात करेंगे तो 7 क्वेश्चन है, तो यहाँ ज़्यादा आपको कोई ध्यान देना नहीं है कोई, ठीक है। भारत, अब हम बात करें भूगोल की, ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से देखो 250 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही पूछा जाते। विश्व के भूगोल को भी यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, इसे भी देखना है वीडियो के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में विश्व के भूगोल में तुलना में लगभग समान क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ कम पूछे गए सभी एग्जाम की तुलना में, लेकिन वीडियो के एग्जाम की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में अब पूछे गए हैं। तो दोनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है भाई, ज्योग्राफी को, ठीक है। संविधान व राज्य व्यवस्था से 250 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि जैसे भारत का आपका भूगोल है, विश्व का भूगोल है, संविधान है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेंगे और विभिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को भी देख लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अगर डीप क्वेश्चन जहाँ से आएगा वो आपका आधुनिक भारत इतिहास से आएगा थोड़ा, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेंगे बस, और बाकी से बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे हम बात कर ले भाई अर्थशास्त्र, देखिए इकोनॉमिक्स के यहाँ पे 283 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए और मुख्य रूप से अर्थशास्त्र और करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में रखे जाते हैं, तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करें जीव विज्ञान, देखिए वैसे साइंस की अगर हम तुलना में बात करेंगे तो यहाँ पर तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीव विज्ञान के 343, भौतिक विज्ञान के 150 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के 158, लेकिन वीडियो की दृष्टि से हम आगे बात करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जीव विज्ञान को थोड़ा देख लेंगे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ आपको देख लेंगे भौतिक विज्ञान क्वेश्चन। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन कोई वीडियो में अभी तक पूछा नहीं गया, एक क्वेश्चन पूछा गया था वो भी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड था, ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। पर्यावरण पारिस्थिति के 50 क्वेश्चन पूछे गए, वीडियो के एग्जाम में सिर्फ एक दो एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछा गया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक नज़र आप इसे देख लेंगे। स्टैटिक जीके को जरूर देख लेंगे, स्टैटिक जीके 185 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके ये स्टैटिक जीके से, ठीक है, स्टैटिक जीके से, और हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो के एग्जाम में, ठीक है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ही है, क्या जो आपके 230 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए हैं परीक्षा में अभी तक। करंट अफेयर ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टॉपिक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर जी आप समझ गए होंगे किस प्रकार से जो है क्वेश्चन परीक्षा में अब पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर आज जरूर करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि ये बता रहा हूँ ना ये शायद ही कोई आपको बताएगा निश्चित रूप से, तो ये आप देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमें प्रीवियस क्वेश्चन जो है नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारी वैसे मार्केट में बुक है लेकिन बहुत सारे छात्र जो है अच्छी बुक का चयन नहीं कर पाते या कुछ भी सही, तो आप बेहिचक होकर कोई दिक्कत नहीं टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो टॉपिक वाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो क्वेश्चन भी यहाँ पर डेली आपको करवाते रहेंगे तो ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे भाई वीडियो के एग्जाम के लिए, देखिए भाई वीडियो के एग्जाम में कहाँ कहाँ से टॉपिक परीक्षा में पूछे गए, शायद ही आपको ये कोई किसी ने बताया होगा, लेकिन मेरा खुद का अनुभव है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यही आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी होगी, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये मान के चलेंगे ये आपके लिए जहाँ ज़्यादा मेहनत करनी होगी चलिएगा, ठीक है। अब देखो वीडियो एग्जाम में कहाँ कहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए यूपी जीके मैं तो आपको पहले बोल चुका हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका, ये 500 प्रश्नों की सीरीज भी आपको करा रहा हूँ वो भी आप कर लीजिएगा, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लेंगे, वहाँ पर पीडीएफ थोड़ा आपका अच्छे से डिटेल के साथ वहाँ पर आपको मिल जाएगी पूरी, ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट। इस हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे गए, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से 10 और 11 टोटल 5 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से पूछे गए, 25 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। पॉलिटी तो आपके इंपॉर्टेंट, देखिए 23 क्वेश्चन
पूछे गए बेसिक क्वेश्चन आपको करेंगे, ज्योग्राफी में बेसिक क्वेश्चन, परीक्षा प्रीवियस क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 32 क्वेश्चन देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका और आपका ये इंडियन ज्योग्राफी। सोच सकते हैं कि कहाँ से आपकी तुलना करेंगे, जो बहुत सारे छात्र इस बात को कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से वीडियो के एग्जाम में अभी तक कई बार प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए, तुलना आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे गए। स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन परीक्षा में एक दो क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में, तो उसे भी देख लेंगे। साइंस मैंने आपसे बोला था कि फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया और बाकी 6-6 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए, तो साइंस को जो बेसिक क्वेश्चन है वो जरूर देख लेंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये कंप्यूटर यहाँ से क्वेश्चन पूछने ही पूछना। पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, करंट अफेयर ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे ये यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर अब हम बात करेंगे भाई आप कैसे पढ़ें, तो देखिए इन सभी जो टॉपिक हैं विषय हैं तो सबसे ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम्स होते रहे हैं, जो भी आपके पास बुक हो तो वहाँ से जो अन्य एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से उन क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे। थोड़ा आधुनिक भारत को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, उत्तर प्रदेश जीके को कोई भी बुक हो उससे पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी आप कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किन विषयों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं जीके की बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है ना वो आपको ध्यान देना है आपका कहाँ, देखिए यूपी जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेंट अफेयर और कंप्यूटर, यहाँ से आप मान के चलेंगे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन परीक्षा में आपका जो है इम्पोर्टेंट है पूछे ही जाएंगे, ये मान के चलिएगा। तो ये आपको अच्छे से करना है, उसके साथ साथ जो विशेष रूप से ध्यान देना है हिस्ट्री और आपका जियोग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत परीक्षा में रखे जाते हैं। तो ये है आपका मुख्य चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन अगर आपने इतना कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 40 से 45 क्वेश्चन अच्छे से, और पुनः बोलता हूँ कि जो पढ़े एकदम क्लियर होकर चले, क्योंकि यहाँ पे 1/2 की निगेटिव मार्किंग है भाई, यहाँ कितनी है 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, जो पढ़े एकदम शानदार तरीके से पढ़े, चाहे एक टॉपिक छोड़ देगा हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे, हम इस विषय को नहीं पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो विषय पढ़े एकदम क्लियर है को पढ़ें, जिससे आपकी आसानी से इसमें जो कोई क्वेश्चन डाउट में ना रहे, क्योंकि 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, अगर आपने दो क्वेश्चन किए दो गलत कर दिए तो फिर कोई फायदा ही नहीं निकलेगा ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी तैयारी करें एक शानदार एक ज़बरदस्त तरीके से करें, एक स्मार्ट तैयारी करें। बुक की अगर हम बात करें, बहुत सारे छात्र सर बुक कौन सी बेहतर रहेगी, तो जीके की जो भी बुक आपके पास है उससे जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़िएगा, लेकिन मैं पुनः बोल रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन सारे जो है अच्छे से करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन नीचे जो डिटेल दे रखी है ना, क्वेश्चन दे रखे हैं उसके नीचे डिटेल भी बाकायदा सभी बुकों में आती है, तो उन डिटेल को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, और ये आप सब कर लेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ तो मैं आपको करवा ही दूंगा, डेली टारगेट के बेस पर काम करेंगे हम, जैसे कि 20 क्वेश्चन डेली आपसे पूछे जाएंगे और बाकायदा टॉपिक दिया जाएगा ये आपको पढ़ना है, उसके साथ साथ हम यूपी जी के करेंट अफेयर जो भी सब्जेक्ट हैं उनका भी नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप टेलीग्राम नीचे लिंक दिया तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा पेड तो रहे ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी दें वो आपके लिए वैल्यूएबल है, फ्री की चीज़ ज़्यादा पसंद लोग करते नहीं हैं, थोड़ा बहुत आपसे लेंगे तो आप भी समझेंगे कि हाँ सर ने जो दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम अच्छे से आपको पढ़ना भी चाहिए, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बात लास्ट बार कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी बहुत समय है, बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं सर क्या एक अच्छी तैयारी अब हो सकती है अगर किसी ने अभी तैयारी शुरुआत की है, बिल्कुल तैयारी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी समय है आपका, लेकिन एक स्मार्ट तैयारी जो मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को आपको समझते चलना है, इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखना, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ अच्छी समझ में आए, नोट कर लेना और उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको जो है तैयारी करनी है। ठीक है, चलिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जैसे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।